आदर्श भाई मिले, इनको जानते होंगे आप, यूट्यूब पे बहुत फेमस है। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो आज हमारा जो जर्नी है वो हैदराबाद से दिल्ली तक है। तो आकांक्षा एयरलाइन, इट्स फर्स्ट एयरलाइन, लास्ट ईयर स्टार्टेड दिस एयरलाइन, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल करूँगा इस एयरलाइन पे। सो इसका एक्सपीरियंस लेके देखेंगे। जो आकांक्षा एयरलाइन है उसके बारे में पूरा प्रोसेस बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं घर के बाहर हूँ, तो अब चलेंगे एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट चलेंगे, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो चल के इसके बारे में थोड़ा आपको शेयर करते हैं, एयरलाइन की जर्नी। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। Hey guys, so finally I'm in airport. So ये देख सकते हो, ये है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। सो इधर की साइड ऐसा है। अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे, तो अब चलेंगे, हमें वेब चेकिंग करनी होगी। वेब चेकिंग मैंने किया नहीं घर से, तो चल के दिखाते हैं हम। ये डिपार्चर स्टेटस लाइन है, ऐसा ही कुछ सीन है। गाइस फाइनली हम जा रहे हैं एंट्री करने के लिए, एंट्री लेंगे अब। एंट्री लेके मुझे वेब चेंज करनी होगी, वेब चेंज करके आपसे मिलते हैं। ये फिलहाल ऐसा कुछ व्यू है इधर का। सो आप वेब चेंज करके मिलते हैं आपसे। हमने वेब चेंज कर लिया है। सो दिस इज़ द बोर्डिंग पास ओवर देयर। यहाँ पे जे में है आकांक्षा एयरलाइन की जो काउंटर है। तो मैंने वेब चेंज ऑनलाइन नहीं की थी, अब वेब चेंज ऑनलाइन कर चुका, वेब चेंज ऑनलाइन नहीं की थी, तो इसकी वजह से मैं यहाँ काउंटर से क्या हूँ। ये देख सकते हो आकांक्षा एयरलाइन काउंटर है, सो जे में है। सो लेट्स गो। सो इट्स टाइम फॉर सिक्योरिटी चेकिंग। अब सिक्योरिटी चेक करेंगे तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये पूरा सिक्योरिटी चेक जोन एरिया है, तो चलो चल के मिलते हैं सिक्योरिटी के बाद। सो गाइस फाइनली आफ्टर चेकिंग हो चुकी है, यहाँ से चेकिंग मैंने की थी तो चेकिंग हो गया इजीली। सो अब जा रहे हैं गेट की तरफ। मेरा जो गेट पड़ा है, मेरा जो गेट पड़ा 114। सो उस पर चलेंगे गेट नंबर पे, तो चल के आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए ऐसा कुछ भी हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट के अंदर शोरूम्स वगैरह भी हर कोई एयरपोर्ट में होते हैं नॉर्मली, बट अमेजिंग लुक देख सकते हो, अमेजिंग है लुक। सो सब कुछ व्यू है। गेट नंबर पे चलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं आपसे, तो मिल के देखते हैं, ठीक है। हेलो हेलो, थैंक यू। ओके सो दिस इज़ द व्यू एक्चुअली। तो चलेंगे अभी, एक गर्ल्स थी तो मिले मुझसे, तो मैंने सोचा वो पूछ रही थी कि ब्लॉगिंग करते हो, मैंने कहा कि हाँ। तो चलो लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। सो ऐसा कुछ व्यू है इसका। कॉफ़ी शॉप वगैरह भी है, लिटिल बी एक्सपेंसिव बट अमेजिंग व्यू है। सो दिस इज़ द लुक व्हाट एग्जैक्टली है। This is the KFC, but we can't be eat from KFC right now because of, as you also know that. So, one body shop also here. This there is so inconvenient and. और भी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बस घुमा रहा हूँ एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट अच्छे से देख लो कैसा सीन है हैदराबाद एयरपोर्ट की।
अमेजिंग व्यू है। हाय एवरीवन, सो फाइनली बैक साइड में देख सकते हो एयरलाइंस से मतलब कि जो जो अलग अलग डिफरेंट एयरलाइंस हैं, इंडिगो वगैरह सब बाहर ठहरे हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से, चलो। सो लुकिंग लाइक दैट राइट नाउ इज द ऑप्शन। सो यार बहुत लंबा है, बहुत लंबा चलना पड़ रहा है। गेट नंबर 114 में है, अभी फ़िलहाल तो 124 की आसपास ही हूँ, तो चलेंगे, चल के देखते हैं। आई इन्जॉय दैट, आई एम वेरी एक्साइटिंग अबाउट दैट। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है, क्या सीन है एयरपोर्ट की। तो फाइनली 114 गेट नंबर फाइनली एकदम ग्राउंड फ्लोर पे है। सो फाइनली आ गया हूँ यहाँ पे। इन कन्वीनियंट के लिए टॉयलेट भी दिया गया है, सो दैट्स गुड। सो दिस इज़ द 114 ओवर हियर। सो यहाँ वेट करना पड़ेगा मुझे, 6:30 की फ्लाइट है, अब वेट करके देखते हैं। थिंग लॉन्च वेट करना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली एयरक्राफ्ट में आ चुका हूँ, ये देख सकते हो। Finally, this is our airline, Akansha Airline. So, देख सकते हो आप, चलेंगे। मेरा विंडो सीट है, जाके देखते हैं विंडो सीट। Finally, this is the my seat over there. 27 है, देख सकते हो। Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Akasa Air, I shall be your in-flight manager for today. Would like to welcome you on board of flight QB1407 to Delhi. Our flying time to Delhi is 1 hour and 15 minutes. This flight is under the command of Captain Tushar Sunduja, second in command Ricky Shaw. In the cabin, my in-flight team comprising of Adil, Reshma, Surya, Seema. Additional contact with flight under normal circumstances is strictly prohibited and is a punishable act. Thank you. ladies and gentlemen, हम आप सभी को सूचित करना चाहते हैं, हमारे सभी विमान में इन फ्लाइट सुरक्षा निर्देश कार्ड परिधि भी उपलब्ध है। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो हमारे क्रू को। चार्जिंग वगैरह कर सकते हो, सो इनकन्वीनियंट। बाकी फ्लाइट में ऐसा नहीं होता, होता भी है तो ऐसा है। तो यहाँ से एक लॉन्च का है, यहाँ से खुल जाएगा, आप लैपटॉप वगैरह खाना वाना खा सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही है, और मेन्यू वगैरह भी है यहाँ पे। मेन्यू में क्या क्या दिखाता हूँ, ये सेफ्टी कैसे कैसे सेफ्टी है वो इसके बारे में। ये है इसका मेन्यू, के आकाशा बोल के इसके मेन्यू में क्या क्या है दिखाता हूँ। प्राइस देख सकते हो यार, मेन लिस्ट इज बिलो मस्ट बी द प्योर बुकिंग ऑनलाइन, जो ऑनलाइन बुक किए उनके हैं ये, इसके हिसाब से हैं, ठीक है। और बाकी का देखो, प्राइस बहुत हाई है यार, बर्गर वगैरह है, टिक्का वेस्ट है। एक कन्वीनियन है, हिसाब से ले सकते हो वगैरह, मैं पूरा मेंशन कर रहा हूँ आपको, वीडियो में दिखा देता हूँ, देख सकते हो कितना है। ये मेन्यू था, और बाकी का फ्लाइट ऐसा कुछ है, अंधेरा है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है।
मैं आकाशा एयरलाइन के जो टॉयलेट है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। सो ये सीट इसमें आप हो सकते हो, तो यहाँ से आप टिश्यू वगैरह तो यहाँ से निकाल सकते हैं, निकलेगा तो निकलता जाएगा, ठीक है, डोंट डू दैट जो मैंने किया। तो यहाँ से हैंड वॉश ऐसे वॉश कर सकते हो, यहाँ पे आप लिक्विड मिल जाएगा और सैनिटाइज़र वगैरह का लिक्विड मिल जाएगा, आप यहाँ से लेके लिक्विड लेके वॉश कर सकते हो हैंड अपना। यहाँ ये छोटा सा है, देख सकते हो ये हैंडहोल, ये डोर लॉक है, ये देख सकते हो डोर लॉक है, और जब भी आप आओ इसको लॉक करना, फिर यहाँ पे लॉक करना, इधर की साइड होता ऑन होगा, इधर की साइड ऑफ होगा, ठीक है, और ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। तो चलो फाइनली हम उतरने वाले हैं दिल्ली, सेवा संबंधित किसी और जानकारी देखेंगे, धन्यवाद। और जो निकलेंगे, निकल के आपसे दिखाते हैं, ऐसा कुछ सीन है, जा रहे हैं लोग, निकल के दिखाते हैं। फ्लाइट का समझ रही हूँ, सो फाइनली हम जा रहे हैं, देखेंगे देखें जाके अंदर जाके आपसे मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू। फाइनली लैंडेड इन दिल्ली और इट्स डोमेस्टिक एयरलाइन, आई मीन डोमेस्टिक, सो इधर की साइड ऐसा है, अब चाहेंगे घर। पहले आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट दिखा देता हूँ, ये ट्रेवलर 2 है, तो थोड़ा एयरपोर्ट दिखा के मैं, मेरा एक लैगेज है वो भी आएगा, बेल नंबर 5, तो मुझे कलेक्ट करनी होगी, आई थिंक इट्स ओवर देयर, इस सो आई जस्ट हैव टू कलेक्ट द बैग, सो लेट्स सी, ऐसा बाकी का ऐसा कुछ है व्यू एयरपोर्ट का। ये ट्रेवलर 2 है, ट्रेवलर 3 से जुड़ा गया है, लेकिन सुंदर है एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट बेस्ट है, इंडिया के नंबर 1 एयरपोर्ट में से एक है। वेटिंग फॉर द लगेज, सो फाइनली बैग आ गया है मेरा, ये देख सकते हो ये मेरा बैग है, आई मीन लगेज है, सो इसको कलेक्ट करें, I just put inside this. बाहर की साइड इधर है, इधर से चलेंगे, ये पूरा इधर से पूरा ओवरव्यू है, टर्मिनल 2 है, देख सकते। सो गाइस फाइनली हमें मिले हैं हमारे आदर्श भाई, आदर्श भाई मिले हैं, उनको जानते होंगे आप, यूट्यूब पे बहुत फेमस है, मेरी नो आई एम सॉरी, आई रियली वॉच योर वीडियोस, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट योर वर्क, थैंक यू, या ओके बाय, सो आदर्श भाई थे, आप उनको जानते ही हो, उनके चैनल है तो यूट्यूब पे। सो फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, आज बहुत खुशी हो रही है यार, बहुत दिन के बाद दिल्ली आया हूँ, एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ से, सो दैट्स व्हाई आई आल्सो, एज यू आल्सो नो दैट, सो दिस इज द डोमेस्टिक डिपार्चर, आई मीन अराइवल, इट्स नॉट डिपार्चर इट्स अराइवल, सो अब एग्जिट होंगे यहाँ से, मैं मेट्रो ले लूँगा, मेट्रो लेके चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में फैक्ट बताना भूल गया। सो गाइस आकांक्षा एयरलाइन के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ, जो आकांक्षा एयरलाइन है और मेरी टिकट कितनी की पड़ी थी, जो ये कब इस्टेब्लिश किया गया था आकांक्षा एयरलाइन, मतलब कि कब स्टार्ट किया गया था, इस कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट फ्रॉम 7 अगस्त 2022, सो ये जो स्टार्ट होने के बाद जो फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट थी, फर्स्ट डिपार्चर लिए थे मुंबई से अहमदाबाद, सो ये जो फ्लाइट है आकांक्षा एयरलाइन है, और बाकी का जो एयरलाइन है इंडिगो वगैरह वो भी सही है इंडिगो वगैरह, ये जो आकांक्षा एयरलाइन है मुझे ट्रैवल करके अच्छा लगा, तो फीडबैक देना चाहता हूँ, 5 में से 4 तो फीडबैक मैं दे ही सकता हूँ, अच्छा है एयरलाइन, और टाइम से अराइवल, आई मीन जो टाइमिंग है अराइवल उससे पहले ही पहुँचा दिया, आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड सो मेरा टिकट जो पड़ा था, मैं स्टूडेंट फेयर से टिकट लिया था, 4500 के करीब टिकट पड़ा था मेरा हैदराबाद से दिल्ली तक। सो ये है कुछ फैक्ट्स आकांक्षा एयरलाइन के बारे में, इट्स गुड एयरलाइन, आई रिकमेंड यू,
सो अगर एक बार आना चाहता है ट्रैवल करो, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ इस एयरलाइन से, आई मीन स्टार्ट किया गया था लास्ट ईयर 2022, तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था आकाश एयर के साथ एक बार ट्रैवल करूँ। सो फाइनली ट्रैवल किया हूँ, अब जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ। अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक, एंड ऑफकोर्स यू कैन लाइक माई वीडियोज एंड मोर देन मोर मोटिवेट मी।